नमस्कार, मैं कर्नल वेंकटेश हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मराठवाड़ा के खुलताबाद साइट में जो काम हो रहा है, सबसे पहले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस इलाके में, मराठवाड़ा रीजन में, जो कि एक बहुत ड्राई रीजन है, और इसमें हमें प्लांटेशन करने का मौका दिया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने आर्मी की एक यूनिट, जो कि जिसको हम इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन कहते हैं, वो खड़ी करने का निर्णय किया है, और 4 जुलाई को हमने ये साइट इनॉग्रेट किया है, जिसमें श्री मुनगंटीवार, आदरणीय मुनगंटीवार साहब आए थे और यहाँ पे प्लांटेशन का काम शुरू हुआ था। तो ये एक चैलेंजिंग और बिल्कुल मुश्किल जगह है, जहाँ पे ज़मीन सख्त है और रॉक्स वगैरह हैं यहाँ पे। उसके बावजूद हमारे जो इको टास्क फोर्स बटालियन के लोग हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, उनके लोगों के साथ मिल करके हमें एक टारगेट दिया गया था, जिसमें कि करीब 35 हेक्टर में प्लांटेशन करना था, और हमने इसको लगभग 90% पूरा कर दिया है, और आज भी ये काम जारी है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो ये फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठवाड़ा रीजन में प्लांटेशन करने का, ये बहुत ही सहज फैसला है। इस फैसले के बाद ना कि यहाँ पे प्लांटेशन हुआ है, इस इलाके के लोग, इन लोग को यहाँ पे जो है मजदूरी भी मिला है, एक्सप्रेसमैन लोगों को रीएम्प्लॉयमेंट भी मिला है। इस इको बटालियन में आज एक कंपनी खड़ी हुई है,